प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 सितंबर को भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा की शुरुआत करने के साथ ही कई अन्य वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें महाराष्ट्र को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। पीएम मोदी ने 16 सितंबर को नागपुर और सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया। शाम 4:20 पर ट्रेन क्रमांक 02005 नागपुर सिकंदराबाद का उद्घाटन कर स्पेशल ट्रेन को प्लेटफॉर्म 8 से रवाना किया। इस दौरान ट्रेन में सवार विदेशी महिला यात्री द्वारा मेक इन इंडिया के तहत उभरते हुए भारत को लेकर बीसीएन न्यूज के समक्ष प्रतिक्रिया साझा की है। आइए जानते हैं क्या कहा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लेडीज है। जैसे ही हम ट्रेन में जाते हैं तो सेफ्टी का भी हम ध्यान रखते हैं, और यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन में सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। महिलाएं हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं कि अन्य ट्रेन में जाते हुए और ये ट्रेन में आपको कैसे लग रहा है। एक तो बहुत ज्यादा पॉश है और सारी सुविधाओं से अच्छी लग रही है और अलग सा फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ रेलवे कर्मचारी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि अन्य ट्रेनों को आपने देखा है, लोगों की राय आप तक आती है, क्या लग रहा है वंदे भारत को लेकर। वंदे भारत इज वेरी वेरी सुपर एंड डुपर बिकॉज ना इट इज वेरी सेफ जर्नी फॉर अस। मैं कहना चाहती हूँ वंदे भारत जो ट्रेन जो है वो बहुत लेडीजों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अन्य ट्रेन में ऐसी सुविधा नहीं है और अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और जो सेफ्टी है वंदे भारत में पूरा ऑल इन वन। वंदे भारत, वंदे भारत। तो हमने प्रतिक्रियाएं जानी वंदे भारत को लेकर, सेफ्टी का ध्यान हो, यहाँ की क्लीननेस हो, ये सब सुविधाएं यहाँ दी जाने की वजह से यात्रियों जरा इसे सराहा जा रहा है। हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी है, उनसे हम जानेंगे आपको कैसा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन में सफर कर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, नॉर्मल ट्रेन में और इसमें बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ अलग ही फीलिंग हो रही है। माय नेम इज लक्ष्य, I am from Nagpur. Train is very good and most good train in India. Modi ji is the best Prime Minister of India. Vande Bharat! Vande Bharat! Experience has been so good. We are on our destination to go to Chandrapur. Jai Hind, Jai Bharat. Vande Bharat. I can see a hot difference between the regular train and this one, so the development in India is going day by day better. किराए की बात करें तो नागपुर से सिकंदराबाद तक चेयर कार श्रेणी के लिए 1350 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2605 रुपए किराए का भुगतान करना होगा। इसमें कैटरिंग चार्ज भी संलग्नित है। उत्तर ट्रेन 19 सितंबर से नियमित परिचालित की जाएगी। उद्घाटन अवसर के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मध्य रेल के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। प्लेटफॉर्म 8 पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री गडकरी ने शहर के नागरिकों को नई वंदे भारत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो बहुत ही कम समय में लोकप्रिय हो गई है। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब नागपुर सिकंदराबाद ट्रेन नागपुर के लोगों के लिए सफर को और आरामदायक बनाएगी। राज्यपाल राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस बढ़ती भारत की झलक है। अब हम ट्रेनों में साफ सफाई के क्षेत्र में यूरोपियन देशों के मानकों को छू रहे हैं, हमें इसको मेंटेन करके रखने की जरूरत है। जीएम मीणा ने मध्य रेल समेत नागपुर में रेल विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस समय 900 से ज्यादा बच्चों के लिए फन जर्नी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोचेस रहे। इनमें कुल 1440 यात्रियों ने सफर किया, जिनमें 900 से अधिक स्कूली छात्र थे। सभी को सेवाग्राम तक ले जाया गया और फिर दूसरी ट्रेन से वापस नागपुर लाया गया। आपको बता दें कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ऑरेंज कलर वर्जन पहले वाली सफेद वंदे भारत के मुकाबले अधिक अपग्रेडेड वर्जन है। देश में केवल दो ही वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 20 कोचेस के साथ दौड़ेंगे। इनमें नागपुर सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत भी शामिल है। नागपुर और सिकंदराबाद के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा 16 सितंबर से शुरू की गई है और ट्रेन की नियमित सेवाएं आगामी गुरुवार से शुरू होगी। यह ट्रेन नागपुर और सिकंदराबाद के बीच 585 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच और 18 चेयर कार कोच है, जिनकी संयुक्त बैठने की क्षमता 1440 है। यह ट्रेन नागपुर से बलाशाह होते हुए सिकंदराबाद पहुंचने के लिए दिन के समय यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।
तदनुसार ट्रेन संख्या 20101 नागपुर सिकंदराबाद सुबह 5 बजे नागपुर से रवाना होगी और दोपहर 12:15 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 20102 सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 1 बजे सिकंदराबाद से रवाना होगी और 8:20 पर नागपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन सेवाग्राम चंद्रपुर बलाशाह रामागुंडम और काजीपेट रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इसके साथ ही सुरक्षा कंफर्टेबल सेटिंग चेयर स्वच्छता सभी का प्रमाण वंदे भारत एक्सप्रेस में दिखाई दिया है। इसी के मद्देनजर ट्रेन में सवार महिला यात्री एवं रेल कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए सरकार को नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर धन्यवाद दिया। इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल महामहिम श्री सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, अधिकारीगण और विशेष रूप से जनरल मैनेजर मध्य रेलवे के धर्मवीर मीना जी, DRM श्री मनीष अग्रवाल जी और उपस्थित सभी सम्मान्य भाई और बहनों, नागपुर से सिकंदराबाद आज वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे के मंत्री आदरणीय वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जनता में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत लोकप्रिय हुई है। हम अनेक दिनों से ये मांग कर रहे थे कि नागपुर में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आज रेलवे विभाग ने ये जो पहल की है, ये नागपुर की जनता के लिए बहुत ही सुखद ऐसी एक शुभकामना उन्होंने दी है। मुझे इस बात की भी खुशी है, इसी स्टेशन को उसका नवीनीकरण करने का भव्य काम यहाँ भी और अजनी पर भी शुरू हुआ है और इसलिए ये जो रेलवे स्टेशन का विकास, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, ये हमारे नागपुर के इतिहास में यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं नागपुर की जनता की ओर से फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को और रेलवे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल महोदय उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आई टच एंड सल्यूट द होली फीट ऑफ भारत माता, मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। I worked under our Kendriya Mantri Nitin Gadkari ji when he was the president of Maharashtra State Party. I was the president of Tamil Nadu State Party. Then he became the All India president of the party. I worked him under as the executive member. Today, my association with him is more than 25 years now, and on this day I am very glad that I am also participating in the new train to run between the Nagpur and Secunderabad. Nagpur is the center of India. Any connection from Nagpur to the rest of the country is very essential, because India is getting connected. And our Prime Minister's vision that Indian railway should get modernized. We know for long, long time, even the bio toilet has not been introduced
and the bio, without the bio toilets, all our railway line was filled with human waste and it was stinking like anything. When he was talking about the Swachh Bharat, most of the people thought it is not feasible, it is not viable, it is not getting implemented in the country. But you go to any railway station, maybe small or big, today the railway platforms as well as the railway lines are as clean as in the European countries. Indian railway ki baat kare to bahut hi charcha mein Indian railway har mein hamesha rehti hai apne कई मुद्दों को लेकर, लेकिन आज जो है फिर एक बार नागपुर को वंदे भारत की सौगात मिली है। ये नागपुर से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत है और हम देख रहे हैं कि जो वंदे भारत इससे पहले हमें मिली थी वैसी ही ये वंदे भारत है, कंफर्टेबल। यहाँ पे कुछ यात्रीगण हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे वो कहाँ जा रहे हैं और क्या बताएंगे, कैसी लग रही है आपको ट्रेन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जो यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चला रहे, ऐसे ही हुआ पुणे नागपुर और बॉम्बे नागपुर चलाना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ट्रैफिक मिलेगा और ऐसी ट्रेन सब रहे, सब दिल्ली भी चलाना चाहिए और पैसेंजर को सुख सुविधा अच्छे से मिले, यही हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और गडकरी साहब का आभार मानते हैं। आप कहाँ जा रहे हो और ट्रेन के बारे में क्या बताना चाहोगे, इससे पहले भी आप ट्रेन से सफर करते होंगे और ये ट्रेन कैसा लग रहा है। मैडम, ये वंदे भारत जो है हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये मेक इन इंडिया, मोदी जी का जो ड्रीम था वो पूरा हुआ है और ऐसी कंफर्टेबल ट्रेन दूसरी, इतना कंफर्टेबल ट्रेन दूसरी नहीं है, ऐसी हर रूट पे चलाना चाहिए जिससे पब्लिक, यहाँ की जनता को कंफर्टेबल जर्नी महसूस हो। थैंक यू। तो हमने देखा कि लोग जो है सफ़र करते हैं ट्रेन से, लेकिन कंफर्ट का भी ध्यान वो रखते हैं और कंफर्ट जहाँ मिलता है वहाँ यात्री जो है जाना पसंद करते हैं। हमें पता है कि वंदे भारत ये जो ट्रेन है ये कंफर्ट के मामले में सभी सुविधाएं जो है, अन्य सुविधाएं भी इसमें बहुत अच्छी दी जा रही है, तो यात्रियों द्वारा इस भारत को पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। और ये जो सफ़र है या वंदे भारत से जो लोग सिकंदराबाद जाएंगे तो उनके द्वारा ये भी आशा की जा रही है कि अन्य जगह जाने के लिए भी, जैसे पुणे हो, दिल्ली हो, तो यहाँ से नागपुर से भी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।